नजर प्रोग्राम में मजीद मौजूद पर भी बात करेंगे लेकिन अभी आपको लिए चलेंगे जनूब वेरिस्तान के इलाके मौला खान सराय में जहां वजीर अजमान इमरान खान कबाड़िया माइदीन से खिताब कर रहे हैं सबसे पहले ये तकरीर का कहूँ कि कभी भी यहाँ के इलाके मसूद वजीर कबाई इलाके के लोग कभी अपने आप को ये ना कहें हम गैर सियासी हैं क्योंकि आप शुरू से ही सियासी हैं सब क्योंकि जो जरगा का सिस्टम है वो आप सबको सियासी कर देता है एक झमहूरी आपका रवाज है आपकी सारी आप बैठते हैं सारे मिल के मुशावरत के बाद फैसले करते हैं ये बड़ा एक पुराना एक सिस्टम चला आ रहा है जो इस, इस सारे इलाके को अपनी आजादी के लिए लड़ने पर मजबूर कर देता है क्योंकि आज़ाद लोग सिर्फ अपने आज़ाद फैसले करते हैं जो फ्यूडल सिस्टम जिसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं वहां लोगों की हैसियत नहीं होती लेकिन ये जो बड़ा पुराना सदियों से जिरगा सिस्टम है ये फैसले भी मुशावरत से होते हैं सब और लोग अपनी आजादी को अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं इसलिए हमेशा यहां अपनी आजादी के लिए लोग उन लोगों ने जंग लड़ी और मसूद इलाकों ने सबसे ज्यादा अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी और शहादतें दी और दूसरी यह भी हम सबको कश्मीर कि में जब जुल्म हो रहा था तो यहां से लोग गए और उन्होंने ठीक कहा अभी मलिक साहब ने सही कहा कि यहां से लोग गए और उन्होंने जान की कुर्बानियां दी अब सबसे पहले तो मैं आ, इस चीज का इतराफ करता हूं कि ये जो आपके इलाके हैं वो सब सारे पाकिस्तान से पीछे रह चुके हैं। सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान का हिस्सा इतना पीछे रह गया जितना हमारे कबाली इलाके के लोग रह गए वो बलोचिस्तान के इलाके हैं, वहां भी लोग पीछे रह गए और जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है यानी जिस पैसे की जरूरत है आपने कहा ना पचास करोड़ से एक अरब तक इससे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है यहाँ इलाका बड़ा है मिसाइल बहुत है तालीम का मिसाइल है अस्पताल आपके बनाने अभी ये अस्पताल ये दो हजार सोलह से था अभी जाके इसको फंक्शनल किया क्योंकि बड़ा मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए अस्पताल चलाना यहाँ फिर इतने बड़े बड़े इलाके हैं यहाँ सड़कें बनाना पूरा इलाके को कवर करना वो भी बहुत बड़ा खर्चा है शहरों में मसन आ, पेशावर और ये स, इस सारे पेशावर वैली के अंदर तो छोटे छोटे फासले हैं सड़क बनाना आसान है यहाँ आपके फासले बड़े बड़े हैं तो ये इलाके में पहले तो अगर कोई भी आपसे ये वादे करे ना कि मैं सारे मसले हल कर दूंगा वो आपसे सच नहीं बोल रहा मुश्किल आपके हालात हैं और अगर एक इलाका सत्तर साल से पीछे रह गया है तो ये ना उम्मीद लगाना कि दो साल में एकदम इनकलाब आशाय ये भी ये तो मैं तो आपसे सच बोलूंगा मैं कोई आपसे ऐसा वादा नहीं करूंगा जो पूरा नहीं कर सकता मुझे लोग कहते हैं जी किधर गया नया पाकिस्तान किधर गई मदीना की रियासत मैं उनको कहता हूं जरा अपनी तारीख पढ़ो ये जरूरी है सबको कि इस्लाम की तारीख पढ़ें मदीना की रियासत जब बनी थी तो क्या दुनिया के अजीम लीडर अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एकदम जाके वहां एकदम मदीना की रियासत बन गई थी चार पांच साल उस रियासत ने बड़े मुश्किल वक्त गुजारा खतरे में थी उम्मत दो जंगों में खदक में और जंग ओहद में बड़ी मुश्किल से निकली उम्मत लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली दो तरह आई एक तब्दीली उन्होंने नए कानून लेके आए कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं इंसाफ का निजाम लेके आए फिर फलाई रियासत बनाई निचले तबके को ऊपर उठाया टाइम लगा एक उन्होंने जो दुनिया जिस तरफ जा रही थी बादशाह के अंदर उन्होंने रुख मोड़ दिया एक नया निजाम लेके आए जिसको आज भी मदीना की रियासत के जो उस है वो मॉडर्न स्टेट है आज भी वो सारे जो दुनिया की रियासत जो उन असूलों पर चलने की थोड़ा सा भी चलती है वो ऊपर आ जाती है उन्होंने हमेशा के लिए हमें बता दिया कि अगर एक रियासत ऊपर जाना है तो इन इन असूलों के ऊपर चलेगी तो ऊपर जाएगी तो वो एक तो नहीं हुआ वो असूल उन्होंने बनाए उसके ऊपर रियासत चलने की कोशिश की मुश्किल आई और फिर देखते देखते दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आया तो आपके सामने वो जदोजहद तो हो रही है पाकिस्तान में आज वो पाकिस्तान में वो जो इंकलाब है उसका उसकी शुरुआत तो हो चुकी है और अगर आपने देखना है कि कैसे शुरू हुई तो ये सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पर आ जाता है इनकी जब आप शक्लें देखेंगे और जब आप देखेंगे सब इकट्ठे हो गए हैं तो आपको सबको मुतमिन होना चाहिए कि इनकलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में जब एक माशरे के सारे बड़े बड़े डाकू जो पैंतीस साल से इस मुल्क को लूट रहे थे वो जब सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक हुकूमत कहती है मैंने इनको एनआरओ नहीं देना जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें जनरल मुशर्रफ फौज उसके नीचे आर्मी चीफ मुल्क का प्रेजिडेंट अमरीका उसके साथ जजेस उसके नीचे नैब उसके नीचे उसने इन्हीं डाकुओं के सामने दो दफा एनआरओ दिया नहीं बर्दाश्त कर सका प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका वो भी तो जो असल तो तब्दीली इस तरह आती है जब एक रियासत खड़ी हो जाती है और कहती है कानून के ऊपर कोई नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अगर बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी कोई कानून के ऊपर नहीं है तो ये जो सारे चोरों का टोला है ये क्या कह रहे हैं कि बाकी चोरों को पकड़ के जेलों में डालो लेकिन हम हमें हम जितनी मर्जी चोरी करें हमें एनआरओ दे दो ये गेम चल रही है तो ये जो शुरू है ये कानून की बालादस्ती की जंग इसमें इनशाला जैसे हम जीतेंगे इसमें उठती है कॉमें कौमें तो ऐसे बनती हैं अगर कौम का सारा पैसा चोरी करके बाहर ले जाए कोई सारे बड़े बड़े चोर बड़े बड़े महलात बार बना लें सबके बेटे बारह अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं वो एसाक डार के बेटे नवाज शरीफ के बेटे वो शबाज शरीफ सारे अरबोपति बन गए किसके पैसे पे आपके पैसे पे अब या वो पैसा आप पे लग सकता है और या वो बड़े बड़े मोहल्लात बाहर खरीदने में लग सकता है और फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं जी हमें नहीं हाथ लगाओ बाकी चोरों को पकड़ो हमें ना हाथ लगाओ तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुशर्रफ जो इतनी ताकत में था वो इनके सामने घुटने टेक गया तो पहले तो ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना क्यों हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं है पैसा इकट्ठा कैसे हो जब आपका पैसा चोरी होकर बाहर चला जाएगा तो किधर से पैसा आएगा कि हम इन सारे इलाकों पर खर्च करें क्यों थो, छोटा सा तबका अमीर हो गया बाकी लोगों के पास हमारे से सारे मुल्क आगे बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क होता था कुछ सोच भी नहीं सकता था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल हो जाएगा और आज देख ले बांग्लादेश जो जिसको लोगों ने यहां जब अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा जी बहुत बोझ पड़ा हुआ था पाकिस्तान पे ईस्ट पाकिस्तान का आज वो पाकिस्तान से आगे निकल गया तो जब एक मुल्क के अंदर बड़े बड़े डाकू मुल्क की सरबराही करते हैं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता वो खुशहाल नहीं हो सकता एक आप फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठा दे आपकी फैक्ट्री बैठ जाएगी वो उसको उसका, उसका दवालिया निकल जाएगा तो मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि हम एक मुश्किल हालात से निकल रहे हैं आप ये समझ जाए कि मुल्क का तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं आज पाकिस्तान के ऊपर इनकी वजह से हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं यह मुतमिन हो जाएं कि अल्लाह ने जो चीजें जो वसाइल जो नेमते पाकिस्तान को बख्शिए कोई मुकाबला नहीं करेगा हमारा चंद सालों में अगर हम कानून कानून की बालदस्ती कोई मुल्क तरक्की नहीं करता कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क नहीं तरक्की करता जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा कोई मुल्क नहीं तरक्की करता और ये किसने कहा था हमारे नबी सल वसलम ने कहा था उनके उन्होंने की हदीस थी बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए ताकतवर के लिए एनआरओ और छोटे चोर के लिए जेल तो हमारे लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है और ये दौर इसके ऊपर जो जो मेरा नजरिया इंसाफ की तारीख वो शुरू हो रही है हमेशा तब्दीली जो जिसको जिसको रिफॉर्म्स कहते हैं असलाहत कहते हैं तकलीफ तो होती हैं। कोई भी दुनिया में एक मुझे दुनिया में मुल्क बता दें जिसमें तब्दीली आ रही हो रिफॉर्म्स हो रही हो इसलाहत हो रही हो और वो आसान हो जो भी मुल्क उठा है जब जर्मनी तबाह हो गया था जब जापान तबाह हो गया था दूसरी जंग अजीम के बाद तो उनको कितनी देर लगी थी मुश्किल वक्त सबने गुजारा लेकिन वह कौमें खड़ी हो गई तो जब एक मुल्क के ऊपर तारीखी कर्जे चढ़ जाए उसका दिवालिया निकल जाए <tossil> 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 तो थोड़ी देर वो मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है तो पहले मैं आपको यह वाजे कर दूं इसलिए जब आप कहते हैं मेरे ख्याल में हम अगर यहां इन सारे इलाके में ये जो पीछे आपके रह गए अगर हमारे पास आज पैसा होता अगर हम यहां इन्वेस्ट करते यहां बड़ी तेजी से ये इलाके वसाइल आपके पास बहुत ज्यादा है ये बड़ी जल्दी तब्दीली आ सकती है लेकिन उसके बावजूद कि हमारे पास इस वक्त मुश्किल हालात है उसके बावजूद महमूद खान को हमने कहा हुआ बार बार कि अगर और कहीं से भी हमने पैसे कट कर रहे हैं कबायली इलाके से नहीं हमने करने रहे कबायली इलाके को हमने पूरी तरह जितने भी हमारे पास मसाले इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं मैं महमूद खान को लेके इसलिए आया हूं कि इनको जो भी अभी आपने जो आसनामा पढ़ा उसमें कई चीजें मसन आपके वो जो आ, वो कॉम्पेंसेशन देनी थी उसका जो आ, जो टोकन्स दे रहे जो कॉम्पेंसेशन उसके लिए महमूद खान को पता है जो आपका पानी का मसला है आपको बहुत ज्यादा छोटी छोटी चेक डैम्स चाहिए सबसे बड़े मसले तो ये हैं कि आपको पानी गांव में फराम साफ पीने का पानी उसके बाद जो आपकी सड़कें हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगे उससे पहले आपका तालीम का निज़ाम यहाँ बच्चों को तालीम की बहुत जरूरत है फिर हमारा जो एहसास प्रोग्राम है जो जो सब यहाँ जो गुरबत के नीचे लोग हैं जो सत्तर फीसद आपके लोग हैं वो मैं डॉक्टर सानिया को खास लेके आया हूँ कि एहसास प्रोग्राम में हम नीचे तक स्टाइप दें गरीब घरानों को कर्जे दें फिर जो हम जानवर देते हैं घरों में खातन को ताकि वह अपनी आमदनी ऊपर करें दूध हो घर में यानी मुर्गे अंडे ये गरीब घरानों के लिए ये हमने ये भी प्रोग्राम लेके आए हुए हैं और जो कामयाब जवान जो आज हमने बड़े बड़े कर्जे दिए हैं उसके अंदर वो भी ये साउथ वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा हम देंगे क्योंकि यहां आपका यूथ सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो उनके लिए भी आज जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और फिर एक और फैसला किया एजुकेशन सिटी का जमीन भी आ गई है और ये पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अब पांच हजार केनाल के ऊपर के पूरी एजुकेशन सिटी बनाने लगी है यहाँ सारे इलाके के लोगों के लिए अब हम वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं हेल्थ कार्ड आपके लिए हर खानदान के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके सात लाख रुपए तक आपका मुफ्त इलाज हो सकता है सो कोशिश हमारी ये है कि जितने भी आपके बुनियादी मसले हैं वो हम हल करें जो आपने अभी बात की डिस्ट्रिक्ट की वो तो मैं जानता हूं कि जमीन के लिए यहाँ आपकी कितना प्यार है अपनी जमीन के साथ और इसलिए मैंने महमूद खान को कहा कि आपके साथ बैठ के मुशावरत करे कोई फैसला कोई फैसला आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा जो भी फैसला होगा जब तक आप मुतमिन नहीं होंगे वो, वो हम फैसला नहीं करेंगे तो ये इसके ऊपर भी आप मुतमिन हो जाए वाजे कर देता हूं कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी है हमने वजीरस्तान खासतौर पर जिधर सबसे ज्यादा तबाही हुई जंग की वजह से इसलिए वजीरस्तान को हमने सबसे ज्यादा आगे रखना और फिर बाकी सारे कबायली इलाका और बलोचिस्तान और तौर पर जनूबी बलोचिस्तान जो कि पीछे रह गया इसके ऊपर मेरी हुकूमत की सबसे ज्यादा तोज्जो है और इन शाह आपको यह नजर आना शुरू होगा कि जो जो अब हम आपके लिए काम करें आपको नजर आएगा कि नया नया वजीरस्तान बनने जा रहा है शुक्रिया